इसलिए कोई शादी नहीं करता। तुम मुझे पागल क्यों बोल रही हो? पागल बोल रही हो? पागल बोल रही हो? मुझे थप्पड़ पड़ेगा, शांत से बोलो। देखिए, जो भी मेरी बहन से शादी करेगा, मैं पहले तो उसे 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख होगी ना मेरी शादी? हाँ, चुप। 50 लाख रुपए दूंगी और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास, जिसकी आधी मालकिन है, और उसको दहेज में उसे जो चाहिए होगा, जितनी डिमांड होगी उसकी, मैं वो डिमांड पूरी करूंगी। और लड़के को मैं घर जमाई बना के रखूंगी, क्योंकि मेरी बहन का आप देख ही रहे हैं, और इसलिए मैं चाहूंगी कि उसका भी ध्यान मैं रख सकूं। लड़का कुछ भी ना करता हो, कोई दिक्कत नहीं हम पे है इतना कि लड़का भी रह सकता है, लड़का भी वो पूरी जिंदगी खा सकता है अपना आराम से रह के। कैसा लड़का चाहिए? कैसा भी चलेगा। इस पागल से कौन शादी करेगा? मैंने इसीलिए तो बुलाया, पैसे इसीलिए तो दे रही हूँ मैं। काजल, चुपचाप खड़ी हो। मैंने कहा ना खड़ी हो, इसलिए तो तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा है। खड़ी हो शांति से। तो मैडम आपकी कॉल आई थी हमारे पास, शादी करनी है जी। आप ही हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तो बताना, आपने शादी करनी? नहीं, मुझे नहीं करनी, मेरी बहन की करानी है। आपने आपकी बहन की करानी है? हाँ। तो फिर आपने हमें कॉन्टेक्ट क्यों किया? आपने अपनी फैमिली वाले को बता देते? मेरी फैमिली में कोई है नहीं मेरे सिवा, और मेरी छोटी बहन के सिवा। पापा हैं, वो बीमार रहते हैं। क्या करती है आपकी बहन? मेरी बहन बहुत पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है उसने। ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? उसने प्रोग्राम लिया था। यहाँ पे जो बुलाया आपने हम लोगों को पार्क में, तो आप हमें घर पे भी बुला सकते थे? हाँ बुला सकती थी, पर मुझे यहीं सही लगा आपसे बात करना, क्योंकि घर का माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं था, पापा भी बीमार हैं इसलिए। तो क्या आप अपनी बहन से मिलवा सकते हैं एक बार? हाँ भी, वो पार्क में मस्ती कर रही है। बुलाऊं? है कहाँ, है किधर तुम्हारी बहन? वो बोला तो पार्क में मस्ती कर रही है। काजल आओ। हेलो। हाय। ये आपकी बहन है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। हैं? काजल। तो आप हिल क्यों रहे हो? आप एक बार खड़े हो ना सही जगह। काजल सीधे खड़े हो। क्या करते हो? मैं खेलती हूँ। मैं तो खेलती हूँ। हैं? अरे तो ऐसे कुछ भी बोल रही है। मैं ऐसे खेलती हूं, उसको पकड़ के। ये कुछ भी बोल रही है ऐसे। चुप हो जाओ, खड़ी रहो। आपने हमें मजाक? दीदी छोड़ो ना। नहीं, मैंने मजाक के लिए नहीं बुलाया। खड़ी हो काजल, छोड़ो ना। शादी करानी है आपकी, खड़ी हो। हां शादी करवानी, शादी करवा दो। ये पागल है क्या? अरे तो आप पागल क्यों बोल रहे हो? आपको मैं पागल हूं? किसने कहा आपको? क्या कह रही हो ऐसे? किसी कह रही मेरे को पागल? मैं पागल थोड़ी ना हूं। शांत हो जाओ। ये मुझे पागल बोल रहे हैं? बोल पागल, चुप। मारूंगी मैं तो। मैं 50 लाख रुपए दे किस लिए रही हूँ? इसीलिए तो इस पागल से शादी कराने के। एक तो पहले आप इसे पागल मत बोलिए। हाँ, मुझे पागल मत बोलो, मैं अच्छी हूँ। हिंदी दी आप भी चौलिया बने ना। मैंने आपको भी बोला है, मैं आपको 20,000 रुपए दे रही, जो करेगा उसको 50 लाख रुपए दूंगी। आपने जो हमें बुलाया ना, खाली वीडियो बनवाने के लिए बुलाया कि हमारी बहन की वीडियो बनाओ। आप मुझसे भी ले लीजिए पैसे, आप ले लीजिए मुझसे भी 20,000 रुपए। खरीदे जा रहे तो आप खुद खरीद लो ना। मैंने ट्राई किया, नहीं मिला, तब भी तो मैंने आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया। इस पागल से कौन शादी करेगा? मैंने इसीलिए तो बुलाया, पैसे इसीलिए तो दे रही हूँ मैं। देखो, 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 काजल चुपचाप खड़ी हो। मैंने कहा ना खड़ी हो, इसलिए तो तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा है। खड़ी हो शांति से। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। 50 लाख में कौन अपना लड़का खड़ा करेगा? 50 लाख ही नहीं, आधी प्रॉपर्टी की मालकिन भी है। आधी प्रॉपर्टी की मालकिन जी, हम दो ही बहनें हैं। अगर उस लड़के को मेरे में से लेना चाहे हिस्सा, तो मेरे से में ले सकता है। काजल शादी नहीं करनी, शांति से खड़ी हो। इसलिए कोई शादी नहीं करता। तुम मुझे पागल क्यों बोल रही हो? पागल बोल रही हो? पागल बोल रही हो? मुझे थप्पड़ पड़ेगा, शांति से खड़ी हो। कितने पैसे बोल रहे हो? 50 लाख। इतने पैसे में इसका इलाज नहीं करा सकते? कराया, कई डॉक्टर मतलब डॉक्टर मना कर दे रहे हैं। घर जाएगा, ये क्या नाम है, शादी करके जो इसका दूल्हा होगा वो मेरे साथ रह सकता है, मैं इसको संभाल लूंगी। दीदी
हाँ वो जैसे रहना चाहे। पागल है ना, एक काम करो मैडम, देखो मैं ना अभी आपको क्या ही कहूँ, देखो ये लड़की पागल है। देखिए जो भी मेरी बहन से शादी करेगा मैं पहले तो उसे 50 लाख रुपए दूंगी, 50 लाख होगी ना मेरी शादी। हाँ, चुप, 50 लाख रुपए दूंगी और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास जिसकी आधी मालकिन है, और उसको दहेज में उसे जो चाहिए होगा, जितनी डिमांड होगी उसकी मैं वो डिमांड पूरी करूंगी। अच्छा, पक्की बात है, गारंटेड, और वो भी शादी से पहले ही एग्रीमेंट साइन करूंगी मैं। क्या कर, और लड़के को मैं घर जमाई बना के रखूंगी क्योंकि मेरी बहन का आप देख ही रहे हैं, और इसलिए मैं चाहूंगी कि उसका भी ध्यान मैं रख सकूं, लड़का कुछ भी ना करता हो कोई दिक्कत नहीं हम पे है इतना कि लड़का भी रह सकता है, लड़का भी वो पूरी जिंदगी खा सकता है अपना आराम से रह के। कैसा लड़का चाहिए? कैसा भी चलेगा जी, कहीं का भी चलेगा। हाँ जी, तो भाई देखो वीडियो आपने देख लो कि आप सभी ना भाई, लड़का चाहिए इनको कोई कैसा भी हो, ठीक है? काजल ढंग से खड़े बाबू, लड़की की थोड़ी दिमागी हालत खराब है, तो भाई जो भी भाई शादी करना चाहता हो भाई मैं ना नंबर डाल दूंगा, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम नीचे डाल दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर मैं मैडम का नंबर दे दूंगा, तो कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, ठीक है? और ये बोल रही है कि भाई जो चीज मांगे भाई, जो भी डिमांड होगी उनकी जितनी भी, और भाई कहीं का भी हो लड़का, कहीं का भी हो भाई, काला हो गोरा कोई फर्क नहीं पड़ता, काला हो गोरा गूंगा भी चलेगा। हाँ चलेगा। हाँ तो भाई लड़का मतलब कि कैसा भी हो इनको बस लड़का चाहिए। दीदी में शादी होगी ना? हाँ होगी पक्का होगी ना? हाँ पक्का होगी, बोला ना मैंने इनसे, बोला ना होगी। अरे अरे शादी करेंगे। हाँ ठीक है दीदी, शादी करेंगे। बस भाई देख लो गाइस, देख लो ये लड़की भाई, जिसको भी आपको लगता है इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो उसने बता दिया है। बस शादी करवाऊंगी शांत हो जाओ, कहीं से भी लड़का चाहिए भाई, शांत हो जाओ। इनकी डिमांड भी आपने देख ली होगी, जैसे इन्होंने बताया है करोड़ों की मालिक है ये, 50 लाख उसको मतलब कैश क्या उसको कहते हैं, क्या घर जमाई भी रखेंगे और जितना भी है सब कुछ ये अपने घर में ही रखेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू बोलो। Thank you. Thank you.